Hello everyone. It's Monday and it's the day. So my previous वीक का जो असाइनमेंट मैंने अपलोड किया होता है आपके क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम्स के लिए उसका सोल्यूशन अपलोड करती हूँ लास्ट वीक मंडे लास्ट वीक ट्यूजडे को मैंने असाइनमेंट फाइव अपलोड किया था एंड आज मंडे को मैं उसका सोल्यूशन लेके आ चुकी हूँ सो uh, so, जो मेरे चैनल पे नए हैं मैं क्लास ट्वेल्थ का बोर्ड एग्जाम इकोनॉमिक्स के पैटर्न पे असाइनमेंट्स बनाती हूँ एंड एवरी ट्यूजडे मैं एक न्यू असाइनमेंट अपलोड करती हूँ एंड मैं आपको एक वीक देती हूँ उसको सॉल्व करने के लिए क्योंकि वो थर्टी मार्क्स का असाइनमेंट होता है एंड बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न पे बना हुआ होता है एंड uh, <coughs> उसका सोल्यूशन

All right, and I hope it's visible. Let's start solving assignment five. And first se section is macroeconomics. Ka. So uh, macroeconomics ke section, section's first question was which of the following is not a component of revenue receipts of the government. So let me just quickly bring my pen here and start writing. Just give me a minute. Yeah, I think that's fine. Okay, so which of the following is not a component? Not. a keyword hai. एंड ऑफ रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट सो अभी गवर्नमेंट बजट आया है कहीं न्यूज में यू you नो know, बहुत सारे न्यूज चैनल यूट्यूब पूरा भरा हुआ था बहुत सारी चीज़ों से तो उधर आपको ये तो पता चली गया होगा कि रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में क्या डिफरेंस होता है तो टैक्स रेवेन्यू रेवेन्यू रिसीट है इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीट है डिविडेंड रेवेन्यू रिसीट है डिस इनवेस्टमेंट कैपिटल रिसीट है सो डिसमेंट इज नॉट योर Revenue receipt or government's revenue receipt. Okay. The next question: suppose the reserve requirement ratio is 10% and a bank receives a new deposit of one lakh rupees.

मेरे पास अवेलेबल है ताकि मैं उससे लोन्स आगे दे पाऊ सो नाइनटी थाउजेंड इज दी करेक्ट आंसर दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होनी चाहिए एंड आई एम अज्यूमिंग वी हैव ऑलरेडी कम टू ऑगस्ट तब तक आपने नेशनल इनकम मनी एंड बैंकिंग ये चैप्टर्स कर लिए होंगे सो so ये तो आपको आना ही चाहिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है सपोज द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल जी एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम नॉमिनल जी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नॉमिनल जीडीपी क्या होता है नॉमिनल जीडीपी होता है कुछ भी ले लो कोई भी क्वांटिटी आप टी शर्ट्स लेते हो ठीक है टी शर्ट्स की क्वांटिटी हम कोई बेस ईयर ले लेते हैं कंपेयर करने के लिए बात करते हैं लोग बोलते हैं ना दस साल पहले ऐसा होता था वैसा होता था तो ईयर टू थाउजेंड फोर्टीन ले लेते हैं एंड ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ले लेते ले हैं ले 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 है. अब आ, टी शर्ट्स का क्वांटिटी उस टाइम पे जो प्रोड्यूस हो रहा था वो हंड्रेड क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी एंड उस टाइम पे एक टी शर्ट थ्री हंड्रेड रुपीज की हुआ करती थी ठीक है, सो आपका जो नॉमिनल जीडीपी था नॉमिनल जीडीपी क्या हुआ करंट इनटू तो क्वांटिटी, तो 2014 के प्राइस पे 2000 थाउजेंड uh, 2014 के प्राइस पे 2014 में क्वांटिटी जो थी वो ये थी यानी नॉमिनल जीडीपी उस वक्त हो गया 30,000, ठीक है 2014 में इसकी प्रोडक्शन बढ़ के हो गई 200 एंड इसका जो uh, आपका uh, ये हो गया प्राइस हो गया ये भी हो गया फाइव हंड्रेड ठीक है तो फाइव हंड्रेड हो गया आपका अब यहाँ पे कितना चेंज आया यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर वन लाख रुपीज नॉमिनल जीडीपी आया आज की डेट में नॉमिनल जीडीपी, बट रियल जीडीपी क्या है रियल जीडीपी बेसिकली ये है कि अगर मैं प्राइस चेंज भूल जाऊं कि प्राइस की वजह से कितना फर्क पड़ा तो मुझे देखना है कि एक्चुअली रियल अफेक्ट क्या हुआ या रियल जीडीपी कितना बढ़ा यानी रियल में क्वांटिटी प्रोडक्शन कितनी बढ़ी हमारी कंट्री में वो मुझे कैसे पता चलेगा अगर मैं बेस इज की क्वॉंटिटी ले लू या नहीं सिक्सटी थाउजेंड सो आज जो मुझे नॉमिनल जी दिख रहा है वन लाख का वो प्राइस की वजह से धोखा है प्राइस बढ़ रहा है महंगाई बढ़ रही है इस वजह से अगर रियल टर्म्स में मुझे जीडीपी देखना है कि एक्चुअल में जीडीपी कितना बढ़ा है तो वो बढ़ा है कि प्रोडक्शन कितनी बढ़ी हमारी कंट्री में जो कि है सिर्फ सिक्सटी थाउजेंड ओके okay. सो so, ये होता है डिफरेंस रियल जीडीपी में एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम नॉमिनल जीडीपी बाकी तो स्क्रीन पे था ही तो आप देख सकते हो कि क्या लिखा है एंड स्क्रीन ले सकते हो मेरा काम है आपको समझाना ठीक है देन आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से एक फॉर्म आप आख... का कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन मुझे कंजम्पशन का इक्वेशन दिया है मुझे इन्वेस्टमेंट दिया है मुझे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया है मुझे कैलकुलेट करना है है इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन एट दिस ठीक तो मुझे ये कैलकुलेट करना है बट डू वी है चलो ठीक है uh, हमारा इक्विलिब्रियम कब होता है जब ए एस इज इक्वल टू ए डी होता है ए एस इज इक्वल टू इनकम होता है एंड एडी क्या होता है सी प्लस आई प्लस डी ठीक है, क्वल टू सी की क्वेश्चन क्या है टू हंड्रेड प्लस पॉइंट सेवन फाइव वाई प्लस हंड्रेड प्लस पर टोटल क्या हुआ थ्री हंड्रेड फोर फिफ्टी फोर फिफ्टी प्लस पॉइंट सेवन फाइव वाई एंड यहाँ पर y तो इसको मैं यहाँ ले जाऊंगी पॉइंट टू फाइव वाई इज इक्वल टू फोर फिफ्टी वाई इज इक्वल टू फोर फाइव जीरो अपॉन ट्वेंटी फाइव इन टू हंड्रेड यानी फोर हो गया सो फोर फिफ्टी इंटू फोर कर लो फोर फिफ्टी इंटू फोर आपका कितना आ रहा है टोटल वैल्यू क्या आ रही है आपकी इनकम In, uh, की इनकम की आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर देखो तो ये आ गया आपका इनकम एटीन हंड्रेड का ठीक है तो इस इक्विलिब्रियम इनकम पे हमें क्या क्या ढूंढना था कैलकुलेट द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड लेवल ऑफ कंजम्पशन सो कंजम्पशन क्या हो गया इस इनकम पे कंजम्पशन इक्वेशन पे चलते हैं वापस से कंजम्पशन इक्वेशन क्या थी मेरी कंजम्पशन इक्वेशन ये थी पे पे मैं तो मैं इक्विलिब्रियम इनकम डाल तो ये नीचे आ गया 100, 100, अब 75 into 18 कर लो सो फाइनल कंजम्पशन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ से देख लो वन फाइव फाइव जीरो सो कंक्लूजन दे देना है कंक्लूजन में एट इक्विलिब्रियम इनकम इज इक्वल टू एटीन हंड्रेड एंड कंजम्पशन इज इक्वल टू फिफ्टीन

स इन सर्विस एक्सपोर्ट पर्टिकुलरलीफ्टवेयर सर्विस है पी एल आई है

को ठीक है ऑप्शन नंबर सी देन आ जाता है आपका विच ऑफ द फाइव ईयर प्लान फोकस्ड ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस कौन से फिफ्थ फाइव ईयर प्लान था उसने पॉवर्टी को हटाने के लिए फोकस किया था ठीक है सेल्फ रिलायंस पे देन एक्सप्लेन हाउ लिबरलाइजेशन पॉलिसीज गाइस मैं ये बोलूंगी इधर कि जितने भी आपके चैप्टर्स है ना जो आपके एनसीआरटी में नाम है आपके चैप्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है देन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है पॉवर्टी है सो so, ये सारे चैप्टर्स के नाम देख लो थीम देख लो और इन थीम पे कौन से फाइव ईयर प्लान ने काम किया एक बार वो देख लो बहुत हेल्प होगी कि एजुकेशन पे कौन से फोकस किया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे किसने फोकस किया एग्रीकल्चर पे कौन से फाइव ईयर प्लान ने फोकस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कौन से फाइव ईयर प्लान ने फोकस किया कौनसे ने सिर्फ एनवायरमेंट और एनर्जी पे फोकस किया सो so ये सारी चीजें देख लो बस इतना इंपॉर्टेंट है देन हाउ द लिबरलाइजेशन पॉलिसीज ऑफ नाइनटीन नाइनटी वन अफेक्टेड इंडियन इकोनॉमी का कैसे इफेक्ट करा था डिडक्शन हो गया था डायरफ में डी रेगुल डी रेगुलेशन हो गई थी एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन हो गया था डोर सो फॉरन इन्वेस्टमेंट बहुत हो रही थी इंडियन इकोनॉमी में तो यही चीज उन्होंने बोली है कि इंक्रीज फॉरन इन्वेस्टमेंट हो गई थी एफ डी आई या एफ पी आई दोनों ही बड़े थे ग्रोथ हो गया था जीटीपी का इम्प्रूव हो गई थी एफिशियंसी कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई थी ठीक है

तो एजुकेशन से इम्पार्ट नेसेसरी स्किल एंड नॉलेज और वोकेशनल ट्रेनिंग हेल्प करती है टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ आई टी एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट विद जॉब स्पेसिफिक स्किल्स बट वी स्टिल नीड टू ग्रो अलॉट लेकिन हमें आंसर में ऑप्टेमिस्टिक आंसर देना पड़ेगा वी कैन नॉट यू नो वी आर नॉट गोइंग टू विन सब क्रिटिक अवार्ड सो वी डोंट हैव टू डू दैट एंड बी ऑप्टमिस्टिक इन योर एग्जाम अपने पर्सनल ओपिनियन थोड़े अपने पास रखना अगर बहुत क्रिटिकल है लेकिन ऑप्टिमिज्म दिखाना जरूरी है उसके बाद हेल्थ का रोल देख लेते हैं सो so प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ने से जैसे एग्जांपल है कि अगर इम्प्लीमेंट करते हैं हेल्थ प्रोग्राम्स जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हुआ था उसने इम्प्रूव किया हेल्थ ऑफ रूरल पॉपुलेशन इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि एक घंटे में आप सौ टी शर्ट बना रहे हो और एक घंटे में आप डेढ़ टी शर्ट बना रहे हो तो एक घंटे में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है यानी आपकी एफिशियंसी और केपेबिलिटी थी उतनी लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से आपका आउटपुट ज्यादा आ रहा है ओके लाइफ एक्सपेक्टेंसी इम्प्रूव हेल्थ केयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाएगी लीडिंग टू अ लॉन्गर वर्किंग एज ठीक है एंड मोर अक्यूमिलेटेड एक्सपीरियंस कंट्रीज लाइक जपान विद हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है केस स्टडी फाइनली इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एंडस स्टडीज काफी रिसेंट स्कीम्स वगैरह से रिलेटेड होती है सो uh, so, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन की बिकॉज आई एम एज्यूमिंग आपने कर लिया एंड पीडीएफ डाउनलोड कर लो वर्ना टेलीग्राम लिंक से जाके एंड वहां से केस स्टडी लेके पढ़ लो आएंगे सो आईडेंटीफाई एंड डिस्कस द मेन चैलेंजेस टू रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया एज हाईलाइटेड इन द केस स्टडी मेन चैलेंजेस टू रूरल डेवलपमेंट हमारा मुद्दा ही है ठीक है देन क्वेश्चन था इवेल्युएट करने का सो so सबसे पहले ए देख लेते हैं आंसर ए क्या है चैलेंजेस क्या है इन एडिक्युएट इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल डेवलपमेंट में जो बाधा ला रहा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का इन ठीक है पूर अभी भी पुअर रोड कनेक्टिविटी है हालांकि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स निकाल रही है लेकिन फिर भी लैक ऑफ बेसिक इम्यूनिटीज है देन लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट उनको जो लोन चाहिए वो होता नहीं फिर वो इनफॉर्मल सेक्टर में जाते हैं किसी ना लाला के पास जाते हैं डिफिकल्टी भर -भर है, तो होती है इसीलिए आप फार्मा सुसाइड के केस सुनते हो बहुत सारे सीन होते हैं ठीक है तो क्योंकि लिमिटेड एक्सेस है हालांकि अभी ये भी बहुत बेटर होता जा रहा है सिस्टम बट दे लग वे टू गो देन लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इन रूरल एरिया इज अदर हिन्स देन लेट्स गो बैक टू इवेल्यूएट इफेक्टिवनेस गवर्नमेंट स्कीम स्मार्ट के बाद कर रही है so, की गवर्नमेंट ने उन दिक्कतों को ठीक करने के लिए करा क्या क्या है so, सो सबसे पहला है हमने बोला था की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इन्फ्रास्ट्रक्चर सही करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना दो इस स्कीम ने इम्प्रूव किया है रोड कनेक्टिविटी बहुत रूरल एरियाज में फैसिलिटेट किया है इजियर एक्सेस टू मार्केट ठीक है फॉर एग्जाम्पल रिमोट विलेजेस इन स्टेट्स लाइक बिहार उड़ीसा हैव सीन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है उसके बाद नेक्स्ट इशू हमने क्या बोला था नेक्स्ट इशू हमने क्रेडिट का बोला था तो क्रेडिट और हाउसिंग क्रेडिट के लिए पहले हाउसिंग के लिए देख लेते हैं ठीक है हेल्थ केयर एंड एजुकेशन के लिए सो so, प्रधानमंत्री आवास योजना तो इस स्कीम का क्या है कि अफोर्डेबल हाउसिंग हो रूरल पुअर के पास जैसे यूपी में मध्य प्रदेश में बहुत सारी फैमिलीज को फायदा हुआ है कंस्ट्रक्शन हुआ है पक्का हाउसेस के आपको कच्चा पक्का हाउसेस तो याद होगा गो बैक टू योर ओल्ड डेज इन ओल्ड एंड एनसीआरटी जब छोटे थे कच्चा पक्का हाउस बहुत सुना है सो so, यहाँ पे यूपी में मध्य प्रदेश में इस प्रधानमंत्री आवास योजना के आने से जो पक्का हाउस क्रिएशन हुआ है उसने लिविंग स्टैंडर्ड्स थोड़े लिविंग कंडीशंस थोड़े बेटर किए हैं वोंसेस स्टैंडर्ड्स पर से बट लिविंग कंडीशंस ठीक है देन प्रधानमंत्री जनधन योजना बाय प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन दिस स्कीम हैज हेल्प रूरल रेजिडेंट्स ओपन बैंक अकाउंट बहुत सारे बैंक अकाउंट ओपन हुए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के चलते इसकी वजह से क्रेडिट एंड इंश्योरेंस का एक्सेस हो पाया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो पाए हैं द स्कीम हैज बीन पर्टिकुलरली सक्सेसफुल इन स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल एंड असम वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव बॉट है बैंकिंग फोल्ड जहां नहीं थे उनको बहुत बेनिफिट हुआ है ठीक है अभी भी अभी भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चल रही है इंप्रूवमेंट चल रही है टू फर्दर इम्प्रूव तो हम ये बोल रहे हैं कि ये चैलेंजेस गवर्नमेंट स्कीम्स ने पूरे इम्प्रूव नहीं कर दिया अभी भी, भी बहुत अ लॉन्ग वे टू गो एंड स्टिल इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस सिचुएशन ऑल राइट विद दैट आई थिंक ये हो चुकी है सो so अभी तक आपके पास एवरीबडी फिफ्टी क्वेश्चन क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम फिफ्टी क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक बन चुका है जिसके सोल्यूशन भी मैं दे चुकी हूँ सिमिलरली सीई टी का भी इस वीक फिफ्टी क्वेश्चन हो जाएंगे टेन क्वेश्चन हर असाइनमेंट में होता है एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक आपका बनता जा रहा है सो so प्लीज इसको सेव करके रखिए क्योंकि एट दी एंड अभी आप रोज दस मिनट देंगे ना मंडे टू फ्राइडे भी सिर्फ दोनों असाइनमेंट को मिला के तो बहुत होगा लास्ट में आपको दिक्कत नहीं होगी अदरवाइज लास्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है जब सब एक साथ करना होता है तो अभी थोड़ा थोड़ा करके करते चलो काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक बनता जा रहा है एंड आई थिंक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहने वाली है अगर ये सॉल्व कर लिया बाकी इसके अलावा जो भी चाहिए मैं हमेशा बोलती हूँ क्लास के एंड में कि हेल्दी कम्युनिकेशन इज ओनली की अदरवाइज मुझे नहीं पता चलेगा कि जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो उससे आप सैटिस्फाइड है या कुछ और बेटर हो सकता है उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा ई मेल यूज कर सकते हैं कॉमेंट बॉक्स यूज कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप भी यूज कर सकते हैं आई एल सी यू टूमोरो न्यू वीडियो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय